और मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड कार्यालय में योगदान देने के बाद नए बीडीओ राकेश कुमार ने विकास गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण विभागों की मीटिंग की है और पुअर परफॉर्मेंस वाले विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि अविलंब अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाए और विकास की गति को तेज करें। उन्होंने प्रखंड अंतर्गत आवास योजना की धीमी गति में तेजी लाने के संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रखंड में आगमन के साथ मैंने पहले सबका अभिवादन किया, उसके बाद कल से जो अलग अलग विभागों की मीटिंग्स की। अच्छा, तो मीटिंग्स के बाद पता चला कहाँ कहाँ पर हमारा थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस है। हाँ, जैसे आवास योजना का प्रगति थोड़ा सा अन्य ब्लॉक्स की तुलना में कम है, और भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में भी थोड़ा सा प्रगति की और आवश्यकता है। अब क्षेत्र भ्रमण के बाद उसके प्रॉब्लम्स को समझ के और उसके समाधान की दिशा में प्रयास लगातार किया जाएगा। सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि तेजी लाएं और राज्य के औसत को जल्दी से अचीव करें। धरहरा प्रखंड का एक अधिकांश हिस्सा नक्सल प्रभावित माना जाता है। जी जी, वहाँ पर विकास से वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। वहाँ जैसा देखने को मिलता है कृषि बहुत पिछड़ा हुआ है, उनका रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न स्तर का है। जी, इस बारे में डिटेल अपना प्लान जो भी होगा वो करूँगा और उसको इम्प्लीमेंट करने के।